अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुक विद तबस्सुम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे का सालन। हम तो इसे अंडे का मैखलिया बोलते हैं, आप एक करी, अंडे का सालन, जो भी बोले। ये देखिए आप कितना लजीजदार लग रहा है, इसे आप खाने के साथ, रोटी के साथ, लंच में, डिनर में, आप कभी भी बनाए, इंजॉय करें। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें, वरना बहुत सारे ट्रिक्स छूट जाएंगे आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडे का खलिया या अंडे का सालन बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये अंडे, ये कच्चे अंडे हैं, अभी इसे हमें उबाल लेना चाहिए। और ये 9 अंडे हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से आप जितने चाहे उतने रख सकते हैं। और ये है करियापक, और ये है कोथमीर, ये ग्रीन चिली, हरी मिर्चियाँ, और ये है टमाटोज। इन सबको अच्छी तरीके से वॉश करके हम लोग चॉप कर लेंगे। और ये है ऑनियन, इसे भी हम लोग बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और ये है इमली यानी टैमरिंड, इसे भी हम लोग ऐसा खोल के अच्छी तरीके से वॉश करके इसे भी भिगा लेंगे। और ये रहे हमारे थोड़े से मसाले, तो ये रहा सबसे पहले हल्दी पाउडर, ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, ये सॉल्ट है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और ये है चिल्ली पाउडर, ये 2 टेबल स्पून है, स्मॉल टेबल टीस्पून से 2 चम्मच है। ये नारियल का बुरादा है, हम यहाँ पर कोकोनट यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम ये यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ये कोकोनट पाउडर या नारियल का बुरादा यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये नॉर्मल हमारा जो खोपरा होता है ना घर का, उसे भून के ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। और ये है हमारा धनिया पाउडर, अगर आपके पास धनिया पाउडर ना हो तो आप हमारे अपने घर में जो भी नॉर्मल धनिया होता है ना उसे ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है तिल, यहाँ पे हम लोग तकरीबन 3/4 कप तिल ली है, और 3/4 कप फल्ली है, और ज़ीरा है। इन ये तिल, फल्ली और ये ज़ीरा, इन तीनों को अच्छे से लाल भून लेना चाहिए, और हम इसे ग्राइंड कर लेना चाहिए। तो चलिए अब हमारी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अंडे ले लिए, अब हम अंडे को उबलने के लिए रखते हैं। तो अभी मैं इस भगोने में अंडे डाल लिया, और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने तकरीबन 2 ग्लास वाटर ऐड किया है, अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल के अब हम इसे चढ़ा देंगे गैस पर। तकरीबन 1 स्पून नमक डालेंगे हम इसमें, और हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे ताकि हमारे अंडे अच्छे से उबल जाए। तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं, आप इसको अच्छी तरीके से उबाल लें सबसे पहले। तो चलिए, तो हमने अंडों को गैस पे रख लिया है, अब हम इसको ढक के अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। जब तक हमारे अंडे उबलते हैं, अब ये तिल फल्ली को अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम ज़ीरा भून लेंगे। अच्छी तरीके से भूनें, ज़्यादा लाल मत करें। तो ये देखिए, आपको इसी तरीके से लाल भून लेना चाहिए। अगर हमारा ये ज़ीरा या फिर कुछ भी मसाला जल जाता है, तो हमारा सालन काला और एकदम गलीज हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से लाल भून लेना, अब हम तिल फल्ली भी भून लेंगे इसी तरह। फल्ली को भी अच्छी तरीके से, उसका कच्चापन गया तक हम इसको भून लेंगे। तो देखिए हमारे फलियाँ अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, अब हम इसे भी निकाल लेंगे। देखिए इसी तरीके से कच्चापन गया था, इसको अच्छी तरीके से भून लें। अब हम इसको छील लेंगे, तिल भी इसी तरह भून लेंगे। इसको भी आप थोड़ा मीडियम फ्लेम पे भुने, क्योंकि थोड़ा गर्म होते कि उछलना स्टार्ट हो जाती है।
देखिए कैसा पॉप आउट होना स्टार्ट हो गई है। हम इसको और थोड़ा खोलेंगे तो भैया हमारी जलेबी अच्छी तरीके से बन चुकी है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतना ही कलर आना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर आप भूलेंगे तो ये काली हो जाएंगी। तो मसाले भून लेने के बाद अब हम ये प्याज को भी भून लेंगे अच्छी तरीके से पीसने से पहले। तो चलिए अब हम प्याज को भून रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1-2 स्पून ऑयल डालेंगे और प्याज ऐड करके थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे जिससे ये प्याज का कच्चापन भी निकल जाए। एक्चुअल में इसे कच्चा भी पीसा जाता है लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कच्चा पीसने से इसमें थोड़ी कच्ची स्मेल आती रहती है तो इसलिए इसे भून के ही हम लोग ग्राइंड करके यूज़ करेंगे। तो आप लोग भी इसी तरह बनाएं, बहुत अच्छा बनता है। तो अब हम इसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट होने तक, तो ये देखिए हमारे प्याज अच्छी तरीके से भून चुके हैं। आप इसी तरह लाल भुने, ज़्यादा जलाइए मत। तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेंगे। तो देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले तिल ऐड कर लेंगे, अब जीरा भी ऐड कर लेंगे भुना हुआ, हल्दी भी हमने जिसे भून लिया था छील लिया है इसका छिलका, ये भी ऐड कर लेंगे और अब हम इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये जो प्याज भी हमने भून लिया था ना इसे भी इसमें प्याज भी ऐड कर लेंगे, सब एक साथ मसाले भून लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने वो मसालों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है बारीक सा, देख सकते हैं आप। तो हम अंडों को देख लेंगे और अंडों को छील लेंगे। तो हम इसको अंडों को छील लेंगे, जल्दी जल्दी आराम से छीलें, ये अंडे पूरे साबित निकलना चाहिए। तो इस तरह हम सारे अंडों को छील लेंगे जल्दी जल्दी। तो ये देखिए हमने सारे अंडों को छील लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसा पोक से ऐसा पोक करेंगे ताकि हम हमारे मसाले जो भी अंदर तक जाए इसी तरह से। देखिए आप ऐसी छोटी उस छुरी से चीरा भी लगा सकते हैं, इससे क्या होता है कि अंडे को थोड़ा भी ऐसा उसका शेप खराब नहीं होता। ऐसा थोड़ा थोड़ा आप पोक कर लीजिए पोक से। तो ये देखिए अब हम सारों को पोक करके बताएंगे आपको। तो अब हमने सारे अंडों को पोक कर लिया, मतलब उसको अच्छी तरीके से होल डाल लिए हैं। देखो नज़र भी नहीं आ रहा है देखिए, लेकिन मसाला तो बढ़िया अंदर घुस जाएगा। तो चलिए अब हम इसको अंडों को थोड़ा सा ऐसा फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हम अंडों को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये पैन कढ़ाई रख लिया अब हम स्टोव पे, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो चलिए हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट नमक डालेंगे, हम ऑलरेडी थोड़ा उबलने में डाले थे तो ज़्यादा नहीं डालें उसमें, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे एकदम थोड़ा सा 1/4 टेबल स्पून। अब इसको अच्छी तरीके से हिला हिला के फ्राई करेंगे। देखिए इस तरीके से, और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड कर लेंगे, अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। और थोड़ा सा 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप इस स्टेज पे चाहे तो रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो देखिए अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। तो ये देखिए अच्छी तरीके से लाल हो चुके हैं, आप ज़्यादा ना पकाएं, ऑलरेडी फिर इसे सालन में भी पकना ही पड़ता है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा क्रिस्पी हो गए हैं, तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो देखिए वही अंडों के ऑयल में हम थोड़ा और थोड़ा 1-2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेंगे और अब हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें 1 स्पून जीरा ऐड करेंगे। तो हमारा ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन हो गया है,
अब हम इसमें करी पत्ता ऐड करेंगे। देखिए ऐड कर लेंगे इसमें ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे। हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए अदरक लहसुन और ये हरी मिर्ची और ये सब अच्छी तरीके से भून जाना चाहिए। हम इसमें हमारे मसाले ऐड कर लेंगे, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर यानी मिर्ची, नमक भी ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हम इस सारे मसालों को भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब हम हमारे ग्राइंड किए हुए पेस्ट को इसमें ऐड कर लेंगे। तो चलिए तो ये देखिए मसाला हम इसमें ऐड कर लिए हैं, इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे इसको भी। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। देखिए अच्छी तरीके से इसको अच्छा भून लेंगे, इसको अच्छी तरह हिलाते हुए भूनते रहिए। देखिए आप देख सकते हैं ये साइडों से तेल भी छोड़ने जा रहा है। आप इसको और अच्छी तरीके से भून लीजिए जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी करी में। तो ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है। हम थोड़ा वाटर ऐड करेंगे इसमें। देखिए इस तेज पे थोड़ा उछलता है तो आप जरा ध्यान। अब हम इसमें थोड़ा सा इमली का खट्टा ऐड करके और थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं अगर आप इमली पसंद नहीं करते हैं तो इसका कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लें और इसमें एग्स डाल लें। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। एक्चुअल में ये वीडियो हमारा थोड़ा ये पार्ट कैंसिल हो गया था, तो देखिए हम आपको बताते हैं कैसा लगता है। तो देखिए माशाल्लाह ये इस तरीके से लगता है। आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेने के बाद आप इस तरीके से लगता है। हम इसे डिश आउट करके भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए डिश आउट करने के बाद ये ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है। कितना टेस्टी लग रहा है ना, एकदम टेस्टी बिल्कुल। आप इसको रोटी के साथ खाने के साथ जिसके साथ भी आप सर्व करेंगे बहुत टेस्टी।